तो फिर से स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। पहला ब्लॉग मैंने जो आपको खलिया टॉप का दिखाया था, अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ अपने गांव से थोड़ा सा पैदल दूर। चूरखेत गांव है जो पोस्ट ऑफिस नाजनी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में पड़ता है। और यहाँ का मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं सबसे पहले तो कहाँ पहुँचा हुआ हूँ। ये देखिए, ये इसका मेन गेट है झुनिया उडियार। अभी मैं आपको अंदर दिखाऊँ तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि यार यहाँ हम तीन तीन घंटे के आसपास चल के आए हैं। मेरे साथी लोग, जितने भी मेरे दीदी लोग और भांजे लोग आए हैं, वो अभी अंदर पहुँच चुके हैं और मैं इसी गेट पे खड़ा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है झिड़िया उड़ियार। 3 घंटे आपको यहाँ चल के आपको यहाँ मिलना पड़ेगा। यहाँ की जो आउटसाइड सीनरी है वो आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ पे इस एरिया पे खाना वाना भी बनाएंगे, छोटा मोटा जो भी हमसे बनेगा। यह है नदी जो प्रॉपर पहाड़ों से आती है, वहाँ पे एक गांव भी है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो 3 घंटे चलने के बाद अपने स्कूल पे पहुँचते हैं जो हमारी गांव की तरफ है। अभी आपको यहाँ का जो मेन एंट्रेंस है, सबसे पहले तो फिर से बैक आऊँगा मैं। सबसे पहले बजाएंगे हम घंटी। जय शिव शंभो। तो यह है एंट्रेंस। काफ़ी फिसलन है, जूते वूते हमने पहले उतार दिए थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन है। देखिए, ये तो नॉर्मल पत्थर है। अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या चमत्कार है। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा चमत्कार यहाँ पे। ये देखिए, इसका रूफ बिल्कुल ही देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी आर्किटेक्चर ने यहाँ पे एकदम डिज़ाइन दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर यहाँ पे ये है हमारा मेन एंट्रेंस। ऊपर से देखिए बूंदाबांदी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, पहाड़ों का पानी होगा वो चू रहा है यहाँ से। अंदर की ओर चलते हैं। ओहो, यहाँ पे देखिए क्या चमत्कार है शिव शंभो का, शिव भगवान का बहुत ही अच्छा चमत्कार। यहाँ पे पत्थरों के डिजाइन देखिए, पूरा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पानी कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे वैसे जो हमारे पूर्वज लोग हैं, दादा परदादा लोग कहते थे कि यहाँ पे पहले पानी की जगह पे दूध आता था, बहुत समय पहले की बात है कहा जाता है। हमने ना किसी ने देखा है, मेरे ख्याल से दादा परदादा लोगों ने देखा होगा। बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पे यहाँ से दूध निकलता था। तो कोई एक बाबा यहाँ पे रहने के लिए आया, उसने उसी दूध की खीर बना दी, उसी दिन से यहाँ पानी आना शुरू हो गया। ये देखिए ऐसे डिज़ाइनदार पत्थर, पत्थर नहीं बोलेंगे इसे, शिव जी की जटाएँ भी बोल सकते हैं हम, अगर हम साफ शब्दों में बोले तो शिव जी की जटाएं। यहाँ पे हर पत्थर पे ऐसा लगता है जैसे कोई किसी भगवान का रूप होगा। ये देखिए, ये सारे कोई पत्थर रखा नहीं गया, ये ऑटोमेटिक पहले से यहाँ पे अपने ही नेचुरली बने हुए हैं। ये देखिए ऐसे लगे, ये देखिए आँख मुंह नाक, बिल्कुल किसी कोई रूप है जैसे। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग और दीदी लोग, ये देखिए, ये तो इस बंदे को तो आपने पहले से देखा होगा खलिया टॉप में भी, यही और एक कम्मू भाई यहाँ पे। क्या चीज दिखा रहे हो? ये ना, जैसे ये पानी आ रहा है ऊपर से, ये देखो इसमें, देखिए पानी से, ये देखिए प्रॉपर पानी की होता होगा, छेद हो रखा है इसमें। हाँ, ये ऊपर में भी। ये देखिए शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पे, मेन शिवलिंग। ये देखिए नीटू भाई, कहाँ चढ़े हो आप? ये ऊपर कहाँ जा रहे हो? ओहो हो, क्या है कमू भाई ऊपर? अभी दिखाता हूँ, बिल्कुल जैसे मैं बताया था आपको कि हर हर पत्थर यहाँ पे किसी भगवान का रूप है। यहाँ पे ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए दांत टाइप के आपके लगे, ये आपको हाथ डाल के भी दिखाता हूँ। ये तो बहुत नीचे तक है यार, इसका तो पहुंच ही नहीं रहा। ये देखिए जय शिव शंभो, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। ये देखो ना, तो इसीलिए उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि। तो ये दिखाता हूँ यहाँ का मेन मंदिर। देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है और यहाँ के अंदर की गुफा
दिखाता हूँ आपको। यहाँ से बोला जाता है कि मतलब जितनी भी ये गुफाएं हैं ऊपर या नीचे की, ये गुफाएं सीधे किसी दूसरे धाम की तरफ को जाती हैं। ये देखिए प्रॉपर, और यहाँ पे देखिए पहले भी बताया था मैंने, हर पत्थर किसी ना किसी भगवान का रूप ले रही है। ये देखिए यहाँ पे दूध के निशान वाइट वाइट हो रखे हैं, पहले दूध आया करता था इनमें से। आपको एक जगह और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए वाइट वाइट जो हो रखे हैं ना, इनमें से दूध आता था पहले। ये देखिए अब पानी आ रहा है, कलयुग आ गया है ना। दीदी कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बिल्कुल बढ़िया, आप तो पहले भी आए हो ना। जाइयो, भूख लग गई आपको? चलो अभी मिलते हैं, अभी हम खाना बनाते हैं। बाकी यहाँ की जो गुफा है, कोशिश करें कि आए यहाँ पे। बिल्कुल हॉल टाइप का बना है, बिल्कुल हॉल टाइप का। मेन तो यहाँ के, यहाँ पे जो पत्थर है, जो जटाएं निकली हुई है ना ऊपर पत्थर से, वो देखिए ना आप। और ये गुफाएं यहाँ पे, एक बार आपको फिर से पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए एंट्रेंस आपको सामने दिखा, गेट, ये गेट है। यहाँ पे बनने लग गया हमारा खाना, अभी हम यहीं पे बनाएंगे खाना। बंदा लोकेशन ढूंढ रहा है अपनी कि कहाँ बनाएंगे। देखें यहाँ पे कितनी बरसात टाइप आपको लगेगी, लेकिन बाहर ना धूप आ रखी है। तो ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं आपको नदी किनारे, वहीं आपसे बातचीत करते हैं थोड़ा बहुत। तो दोस्तों ये मैं बना रहा हूँ पुदे की चटनी, मेरे साथ के दोस्त बना रहे हैं यहाँ पे पुलाव, वेज पुलाव। तो यहाँ पे देखिए फिर से बना रहा हूँ मैं पुदीने की चटनी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भाई जो टेस्ट होता है ना इसका पत्थर में पीस के, औसम यार, ये खुशबू सुनते एक बार, हाँ प्योर पुदीना है भाई, ये मंडी वाला पुदीना नहीं है, घर का पहाड़ी पुदीना कहते हैं इसे। ये देखिए पीसने का तरीका होता है, ये देखिए पहले एक रखते हैं हाथ, फिर थोड़ा सा रखते हैं दूसरा हाथ, फिर ये ऐसे ऐसे करके रगड़ते रहो बस, ये हाथ लाने की ज़रूरत ही नहीं है बीच में कि यार ऊपर से पत्ता उठाना है नीचे से, पूरी ऐसे रगड़ते रहो बस। इसे कहते हैं हम पहाड़ी सिलबट्टा, कहीं भी उपलब्ध है। थोड़ा डालेंगे ऐसे, अगर जैसे लग रहा है फैल गया तो कोई बात नहीं, हाथ हमारे साफ हैं, एकदम ऐसे करो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। चल तो गाइस लग गई हमारी यहाँ पे प्लेटें, केले के पत्ते, ये कमू भाई ने लगा दी है प्लेट, वहाँ पे बन गई हमारी बिरयानी, दिखाता हूँ। ये बन गया है, वो हमारी है चटनी, सलाद कट रहा है, और यहाँ पे लोगों ने ना भी लिया था। लाओ लाओ प्लेट, तो भैया प्लेट, पहाड़ी पत्तल, केले के पत्तल। अभी खाते वक्त दिखाते हैं आपको। तो ये बनाया हमने खाना, लंच बिरयानी, पुलाव, चटनी, प्याज, खीरा, नींबू, ये खा रहे हैं हमें, हम जिनके जिन्हें चाहते हैं। कम भाई खाओ, भाई खुई बिन भी रकम मारे देने को।